हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के अधीन पेंदे पिंड भराड़ी च बीती रात दो शातर बदमाशों वालों एक महिला को जबरदस्ती अगवा करने का प्रयास किया गया। उसके अश्लील हरकत कीतियां ते नाल ही डंडियां नाल उसकी बांह ते वार भी किए गए। गनीमत यह रही कि महिला की चिल्लाण की आवाज़ सुन के ऐन मौके पर ट्रैक्टर चालक पहुँच गया, जिसके पहुँचने के नाल वह बदमाश उत्थों भज निकले, नहीं तो वड्डी घटना अंजाम दे सकते सन। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 9:30 बजे पीड़ित महिला का पति जो घर नहीं सी आया तो उसके पति का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वह अपने पति की तलाश करते हुए घर तो करीब 200 मीटर की दूरी से स्थित दायरा चौंक के कोल पहुंची तो उत्थे मोनू निवासी टिकरी बतेल तहसील बलदाड़ा जिला मंडी और सतपाल निवासी उत्तर प्रदेश गड्डी आए। उन्होंने उस औरत को गड्डी रोकी थी, उसनू गड्डी में बैठने लिए कहन लगे तो जब उसने मना किया तो सतपाल भी गड्डी तो हेठा उतर गया तो उसनू जबरदस्ती पकड़ के गड्डी में बिठाने लगा। पीड़ित औरत जोर जोर न बचाने लिए आवाज़ लगा लगी तो शातर बदमाशा ने उसकी बांह के उत्ते डंडे नाल वार किए। उस वेले जाहू जा रहे रणजीत सिंह निवासी देरा अपने ट्रैक्टर से उत्थे पहुंचा, जिमें वह ट्रैक्टर तो हेठा उतरिया वह बदमाश भज निकले। इस संबंधी पीड़ित महिला ने शातर बदमाशा से अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। मेरा पंजाब न्यूज़ लिए बिलासपुर तो सुभाष चंदेल की विशेष रिपोर्ट। को जो है एक महिला ने थाना बराड़ी में शिकायत दर्ज की थी, जिसने बतलाया कि दो व्यक्तियों ने उसके साथ छेड़खानी की है, जिस पर जो है मुकदमा विभिन्न धाराओं के तहत 353 323 34 IBC में दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों के